गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो पॉली लाइन से रिलेटेड है, यानी कि पॉली लाइन के अंदर हमने पहले पढ़ा सिंपल पॉली लाइन। आज के पॉली लाइन के साथ साथ हम आर्क देखेंगे, लेंथ है, ऑप्शन जो है उसके अंदर वो देखेंगे। तो सबसे पहले पीएल एंटर करते हैं हम, ठीक है। तो पॉली लाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्लिक करते हैं, नॉर्मली जैसे ही है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट दे रखा, तो पहला पॉइंट जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया और मूव माउस करवाया, तो यहां पर पूछ रहा नेक्स्ट पॉइंट, हमें नेक्स्ट पॉइंट नहीं देना। अब यहां पर ऑप्शन देखेंगे, नंबर वन आर्क, उसके बाद हाफ विड्थ, तीसरे नंबर पे लेंथ, अंडो एंड लास्ट विड्थ है। तो हर सभी ऑप्शन में से आज हम दो यूज करेंगे, फिर दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं ए एंटर, किसके लिए, आर्क के लिए। जैसे ही ए एंटर किया, देखो लाइन कन्वर्ट हो गई, पहले लाइन थी, अब क्या आ गया, एक सर्कल शेप आ गई वहां पर, यानी कि इसने क्या किया, एक आर्क की शेप ले ली, ठीक है। अब यहां पर यह चीज समझ में आ गया आपको, तो इससे क्या है, अब नॉर्मली कोई भी डायग्राम हम बना सकते हैं, कोई ऐसा डायग्राम जो हम नॉर्मल लाइन की मदद से नहीं बना सकते थे, ठीक है, इसीलिए हम पॉली लाइन की मदद से बना रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि हैंडल जो होते हैं आजकल के फैंसी हैंडल कैसे क्रिएट होते हैं, हम उसको बना के देखेंगे। याद रहे यहां पर ऑर्थो ऑफ रखना है, अगर ऑर्थो ऑन रखेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी इसके बीच की, ठीक है। जो अभी ये बीच में लाइन आ रही है ना, एक लाइन स्ट्रेट आ रही है, कर्व आ रही है, तो स्ट्रेट वाली बिल्कुल सीधी रहेगी। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एक ऐसा डिज़ाइन बना के देखते हैं, ये नोब टाइप का डिज़ाइन होगा जो हैंडल होता है, तो ये उसका शेप हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब डी एंटर करते हैं, अगर हम डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी एंटर। तो जैसे ही मैं डी एंटर करता हूँ, देखे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अब मैं जिस तरफ क्लिक कर मूव माउस करवा दूंगा, जैसे क्लिक किया और माउस को मूव करवाया, तो देखो ऑटोमेटिक डायरेक्शन मेरी चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या है, डी एंटर करने के बाद माउस के एक क्लिक पर हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एक हल्का सा नोब कुछ इस साइज से बना के दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। वैसे परफेक्ट बनाना है तो प्रॉपर पूरा डायमेंशन वगैरह होनी चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिस स्टाइल में मैं आपको एक बार बनाने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आप कभी इसके केस में कोई गलती कर देते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, हैंड टू हैंड कंट्रोल जेड करते हैं तो आप बैक भी जा सकते हैं। जैसे कि देखो एक बैक हो गया है, ठीक है, ऐसे करके आप बैक, एक और बैक किया मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड, और आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, इस टाइप से पूरा फिक्स हो गया, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज करके एंटर कर दिया। एंटर करते ही मैं कमांड से बाहर आ गया हूँ, मैंने ये कुछ इस टाइप का बनाया। अब मैं यहाँ इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, सर्कल की भी अपनी कमांड है, वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। अगर आपका 2D व्यू बहुत अच्छा बना है तो माय डियर स्टूडेंट आप ऐसे इसको देखकर 3D इजीली बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा, तो देखें बिल्कुल ये देखो हाइट मैं अपनी मर्जी से कितनी भी रख सकता हूं, तो मैं यहां पर सिंपल ये हाइट रख रहा हूं। तो अब ये देखिए, ये जो है जो आगे का गोल पोर्शन है ये तो हमारे हैंडल के अंदर फिक्स हो जाएगा, डोर के अंदर, बाकी का रिमेनिंग जो है हैंडल से पकड़ने का हो जाएगा, हाथ से पकड़ने का हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो डिजाइनिंग कट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम धीरे धीरे आगे 2D के बाद 3D जैसे पढ़ते चलेंगे तब हम पूरा समझेंगे। बट यहाँ पर आपका मेन चीज़ क्या है कि अगर आपका 2D व्यू बहुत अच्छा है तो आप 3D व्यू बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो एक बार फिर देखते हैं, ऐसे ही कुछ बनाकर सिंपल एक डिज़ाइन इसकी मदद से। अब देख रहे हैं आप एक बिल्कुल कर्व होता जा रहा है। अगर आप इसकी मदद से, आपने पढ़ा होगा नकल थ्रेड, ठीक है, ईडी के अंदर नकल थ्रेड, तो कुछ ऐसी होती है जैसी आपके सामने दिखाई जा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट आप ऐसे भी किसी भी डायग्राम को इजीली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करके एक सिंपल वे में सिर्फ इसको ऐसे आपको बनाने की दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप बस अच्छे से 2D व्यू पे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि 2D व्यू के बेस पे ही हम कोई भी 3D बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, मतलब कितना सिंपल स्टेप था कि हमने 2D बनाया और तुरंत उसको एक्सट्रूड कर दिया, यानी कि 3D में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा 2D भी वहीं रहेगा और 3D अलग हो सकता है। तो वापस हम टॉप व्यू में आते हैं सिंबल की मदद से, और हम फिर कुछ एक डिज़ाइन बना के देखते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल ओवरऑल प्रैक्टिस चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया पी एल एंटर, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता हाफ विड्थ। तो माय डियर जैसे ही मैं एच एंटर करता हूँ वो पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट विड्थ, यानी कि पहले की आप विड्थ कितनी रखोगे जहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लिक किया था। मान लीजिए मैं वहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने पुट किया 10 mm। अब देखें
10 mm किया, यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जब हमने यहाँ पर mm में सेट की थी वैल्यू तब हमें बहुत छोटा आ जाता है 10 mm, तो मैंने यहाँ पर 10,000 या 1,00,000 जो भी पुट किया वो देखे। अब देखो कितनी बड़ा विड्थ आ रहा है, ये देखो पूरा वाइट वाइट जो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं पहला क्लिक तो हो गया हमारा 10 से बाद टेपर में हो गया है, बाकी क्या है, मैं इसको जूम आउट करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये जितना भी वाइट वाइट बैकग्राउंड दिखाया गया ये एक लाइन का 1,000 समझे या 1,000 2,000 10,000 समझे या 1,00,000 समझे, ये इसकी हाइट में इतना फुल फिल कलर हो गया है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर हम PL एंटर करके H एंटर करते हैं तो उसके बाद वो विड्थ पूछता है स्टार्टिंग की और एंड की विड्थ पूछता है, तो उस चीज़ में आपको यहाँ पर विड्थ पुट, जितनी आप विड्थ पुट करोगे उतना ही देखें कितनी बेहतरीन लाइन बनती जा रही है। ये किस लिए यूज़ होती है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका यूज़ क्या है, इस वाली लाइन का जिसमें हम विड्थ ले रहे हैं। आप गूगल मैप से कोई नक्शा उठाते हैं, कोई मैप उठाते हैं और उसको अपने ऑटो कैड के अंदर पेस्ट कर उसके ऊपर कोई डिजाइनिंग बनाते हैं, तो जो आपके गली के मोहल्ले के बड़े बड़े रोड हो जाते हैं या किसी नाले को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हम इस ऑटो कैड की मदद से, इस लाइन की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल वे में एक ही बार में ही लाइन का कलर फिक्स हो जाता है, ठीक है। लाइन का हम कलर एक बार में दे देंगे, टोटल जितनी भी लाइन होगी वो हम एक बार में बिल्कुल फुल और फिल कर सकते हैं एक ही बार में। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब वापस चेंज कैसे करना है, वही सेम चीज़ PL एंटर करते हैं, ठीक है। इसको वापस मान लो हमें जीरो करनी है, क्योंकि जितनी बार भी अब ऑटो कैड आप ऑन करोगे ये उतनी बार ही आपको यही वाला डायमेंशन दिखाएगा, यानी कि 1,000 है या 10,000 है या 1,00,000 है, जो भी कुछ है। तो आपको क्या करना होगा, PL एंटर, उसके बाद H एंटर, और H एंटर के बाद पहले जीरो एंटर, फिर जीरो एंटर, यानी कि आपने जो इसकी लेंथ है वो जीरो कर दी है, तो ये नॉर्मल लाइन बन के आ जाएगा, अदरवाइज ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी आपके सामने है। तो इतना भी समझ में आ गया होगा आपको ऑटो कैड के अंदर। तो ये हमने देखो PL की मदद से कितना बेहतरीन एक फ्रेम बनाया। तो हम जब भी कभी PL की मदद से कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट उस डायग्राम के ऊपर हमें अगर लाइन को रिप्रेजेंट करवाना हो डार्क वे में, तो यहाँ से हम लाइन लेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो सिंपल वे हो गया, ठीक है। अब एक बार हम फिर देखते हैं, PL एंटर किया, यहाँ पर हमने पुट वैल्यू की इसकी। अब देखो जैसे ही मैंने जीरो किया तो वापस पहली लाइन आ गई, मैंने फिर देखो अब दोबारा ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, H एंटर, जीरो एंटर और जीरो एंटर, दो बार जीरो पुट किया तो मेरी लाइन बिल्कुल जीरो लाइन वाली आ गई। अदरवाइज मैं आपको फिर दिखाऊंगा, H एंटर, जीरो एंटर किया, फिर जीरो एंटर किया तो हमारी लाइन बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर मैं यहाँ पर एक बार जीरो देता हूँ और एक बार कुछ नहीं करता, डायरेक्ट एंटर करता हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट तब पहली लाइन तो जीरो हो जाएगी बट आगे का सारा फ्रेम आपको जितना भी आपका विड्थ का डिस्टेंस था वो दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।